वेलकम टू पीटीएस डिवाइन तनुषा चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आप जान रहे हैं सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ। ये सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और ये मैं शान्विका के लिए फ़ूड प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सिंपल सा खिचड़ी बना रही हूँ उसके लिए। मैं ट्रेन में उसको बाहर का फूड अलाउ नहीं करती हूँ, इसलिए उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। और देखिए मेरा चेहरा बिल्कुल सूज चुका है, मैं बिल्कुल रात भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि जैसे कि जाना रहता है तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन लगा ही रहता है। और ये मैं बना रही हूँ दही का छाछ, और इसको मैं थोड़ा ठंडा करने के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और जाते वक्त मैं इसे कैरी कर लूँ। कभी कभी ना मैं भूल भी जाती हूँ ऐसे फ्रिज में रख के, तो इस बार याद रहेगा। और जल्दी जल्दी मैं इतना टाइम फास्ट हुआ क्योंकि ट्रेन करेक्ट टाइम पर थी। तो ये देखिए हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, और ये देखिए थोड़ा बहुत स्वेलिंग कम हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग आए, लेकिन ट्रेन अपने टाइम से करेक्ट टाइम में आ गई। तो ये देखिए आ चुके हैं, और हम लोग आए हुए 5 मिनट्स हुआ उतने में ट्रेन आ चुकी थी, आ रही है ये देखिए। तो अब हम इस ट्रेन में चढ़ के कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये अब हम चढ़ चुके हैं ट्रेन में। तो मुझे ना बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ। और जैसे कि आप पिछले वीडियो में जान चुके होंगे कि हम लोग कहाँ गए थे, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए नीचे लिंक डाल दूँगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। और ये देखिए सीन देखिए बाहर का, और उसके बाद शान्विका को देखिए। अब उसको टाइम होते जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा था तो उसको बहुत बोर लग रहा था ट्रेन में, उसने भी बहुत इन्जॉय किया, लेकिन फिर उसके बाद उसको बोर लग रहा था। और ये हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन में आ गए। तो मैंने आपको बताया नहीं ना मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आई हूँ अपने ससुराल इच्छापुरम आई हूँ मैं। विजयनगरम से इच्छापुरम की दूरी 2-2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट होने की वजह से 3 आवर्स हो चुका है। तो ये अब हम घर आ चुके हैं। घर में शान्विका को मैंने सिंपल सा टी शर्ट पहना दिया, ताकि बहुत गर्मी रहता है, थोड़ा हीटी है। और यहाँ मेरी सास प्रिपेयर कर रही है प्रॉन्स और फिश करी। तो ये देखिए शान्वी कितना वॉच कर रही है, क्या क्लीनिंग हो रहा है वहाँ पर। इसको बहुत क्यूरियोसिटी रहता है ये सब चीज़ों को देखने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उसके बाद ना मैं आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और ये हो गया नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग इतना अच्छे से तैयार हो कि इतने गोरे चिट्टे लग रहे हैं ना, मैं बताऊंगी आगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए 2 गाड़ियाँ आ चुकी है, और ये है मेरी छोटी ननंद, और ये मेरी बड़ी ननंद है बाजू में, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है उनका, मेरी छोटी ननंद का बेटा है आरुष नाम है उसका। तो अब हम लोग ना जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मेरी छोटी सास की बेटा है, मतलब मेरा देवर लगेगा, उनका इंगेजमेंट है, तो हम वहीं जा रहे हैं। हमारे इच्छापुरम से थोड़े ही दूर में, मतलब आई थिंक सो 2 से 3 किलोमीटर की दूर में उनका गांव है, तो वहां जा रहे हैं, क्योंकि घर से सबको साथ में निकलना चाहिए ऐसा बोल के हम घर जा रहे हैं। फिर वहां से हम दुल्हन के घर जाएंगे जो कि बारवा में है। अब मुझे उतना क्लियरली प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, मतलब गाँव का नाम, तो मैं बता रही हूँ। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, ये जस्ट हो गया है, कार पार्क कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये मैं अंदर जा रही हूँ, ये है मेरी छोटी सास का घर, ये बस हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूर में है। ये मेरी छोटी सास है, और ये है कैमरा मैन, और टड़ा ये छोटा देवर है मेरा, जैसे कि जानते ही हो गया पहले की वीडियोस में। और ये है डॉक्टर जी, और ये मैं आ रही हूँ बाहर। तो मैं आपको दूल्हे को दिखाऊंगी, इससे पहले देख लीजिए मेरी सास बहुत बिजी में है, और ये चल रहा है दुल्हन का साड़ी और जो ज्वेलरी वगैरह जो देने वाला है उसका फ़ोटोशूट चल रहा है। उसके बाद मेरी सास तो बहुत बिजी में है, फास्ट काम कर रही है, कुछ ना कुछ बहुत बिजी है। और ये रहे मेरे हस्बैंड शान्विका को लेते हुए, और ये देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ दूल्हे को, ये रहा दूल्हा जिसका आज इंगेजमेंट है। और ये है ना मेरी बड़ी ननंद का बेटा है, इसका नाम धर्निश है। कैमरा इधर उधर हो जा रहा था, ये देखिए बिल्कुल फॉर्मल पहनते हुए।
उसके बाद घर में इधर से उधर भीड़ भाड़, कुछ ना कुछ काम इधर से उधर दौड़ा भागी हो रहा था। यहाँ पर ना ये देखिए, हम लोग ना यहाँ से पूरे जो स्वीट वगैरह लेके जाते हैं ना वो सारे चीज़ सेट कर रहे थे, और फलदान वगैरह का जो ब्लाउज वगैरह पीसेज है ना वो सारे सेट कर रहे थे। मेरी बड़ी ननन सेट कर रही थी ये सारी चीज़ें, और ये रही मेरी छोटी ननन, वो भी बहुत बिजी है। मैं ना अभी थोड़ा व्लॉग को फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अगर फुल दिखाते रहूँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी प्रिपरेशन हो रही है, मतलब घर से बाहर निकलते हैं ना दूल्हे को तो पांच औरतें ऐसे लेके आती हैं शादीशुदा, तो वही रस्म चल रहा है। यहाँ पर सबका आशीर्वाद लेगा, और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हुआ था, ये अपने फादर के आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पर। और ये हम लोग बस अब निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं बाहर। यहाँ पर अब सबका आशीर्वाद लेगा दूल्हा, मेरी सास का, अपनी मम्मी का और मेरे ससुर जी का। ये सबका आशीर्वाद लेने के बाद अब फाइनली हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हो गया अब आशीर्वाद लेना सबका। और जब ये ऐसा टाइम रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन रहता है और एक्साइटमेंट बहुत अच्छा रहता है कि कैसा होगा क्या होगा। अब ये देखिए फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, अब हम लोग सीधा कार में बैठेंगे, और कार में बैठने के बाद अब मैं सीधा दुल्हन के घर में आपको दिखाऊंगी शूट कि कैसे हुआ। तो देखिए ये बैठ चुके हैं, और पता है उस टाइम पे ना लाइटिंग ना कैमरामैन सेट कर रहा था ना, इसलिए लाइटिंग उतना अच्छे से आ नहीं पा रहा था। तो मैं आपको ना जस्ट देखिए, अभी ये पंडित ना यहाँ पर मतलब हम जो पूजा होता है ना इंगेजमेंट के पहले, हमारे में तेलुगु में बोलते हैं बुट पटनाऊ ऐसे करके बोलते हैं इंगेजमेंट को, तो वो चल रहा है यहाँ पर। और पंडित जी यहाँ पर पूजा, उनके गोत्र हमारे गोत्र सब मिला के पढ़ रहे हैं, फैमिली का नाम वगैरह जो जो है वो पढ़ रहे हैं। देखिए अब लाइटिंग आ चुकी है, कैमरामैन ने सेटअप कर दिया है। अब ये जो भी है पूजा वगैरह करेंगे, वहाँ पर नारियल है उसके साथ पूजा करेंगे। और यहाँ पर मैं भी देख लेती हूँ मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं, मैं बताऊँगी आगे मेरा फेस का क्या हाल हुआ था उस दिन। ये देखिए इन लोग का अभी पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के बाद अब जो है हमारी जो दोनों ननंद है ना वो अब उनको मतलब साड़ी वगैरह जो मैं बताई थी ना उस समय साड़ी और ज्वेलरी जो देने हैं, अभी ये मेरी ननंद देंगी साड़ी, और ये अब नेक्स्ट टाइम जो है ना हमारी मतलब जो हम लोगों ने दिया है साड़ी वो पहन के, और जो भी मेकअप का सामान है श्रृंगार का सामान है वो सब दिया गया है। और ये फूल वगैरह भी मेरी छोटी ननंद अब उसको लगाएगी पीछे से, मैं आपको वो भी आगे दिखाऊंगी। तो ये दे रहे हैं उनको, तो ये हमारे तेलुगु का रसम है, देखिए कैसा हम लोग इंगेजमेंट करते हैं और कैसा हमारा रसम होता है। ये मतलब ज़्यादातर ननंदों का वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है हर चीज़ में, और ये आरती वगैरह भी देंगी इसके बाद। तो देखिए मैंने ज़्यादा एक्चुअली मैंने वीडियो तो शूट किया था, लेकिन अभी यही मैं दिखाती हूँ तो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैं अब इसको देखिए अब ये चूड़ी पहन रहा है पहना रहे हैं, वैसे ही सारा चीज़ जो भी साज श्रृंगार है वैसे ही दोनों ननंद साड़ी पहना के तैयार करके फिर स्टेज में लेके जाएंगी। तो ये रही अभी मेरी छोटी ननंद भी चूड़ी वगैरह पहनाएंगी, और पहनाने के बाद अब फाइनली अब जो होगा इंगेजमेंट हो जाएगा। अभी रिंग वगैरह पहना लेंगे एक दूसरे को, आरती वगैरह भी देंगे। मैं लेंदी हो जाएगा इसलिए वीडियो मैंने पूरा अभी आपको नहीं दिखाया। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस कैसे कस्टम होता है, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी में हमारे में। तो ये देखिए साड़ी कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये पटू साड़ी है हमारे में ज़्यादातर, ये देखिए एंगेजमेंट हो गई, रिंग पहना दिया गया। मेरे को ना बिल्कुल प्लेस नहीं मिल रहा था फ़ोटोज़ लेने के लिए, सब लोग मोबाइल लेके कैमरा लेके घुस जा रहे थे। तो ये हो गया फाइनली सारी मतलब इंगेजमेंट हो चुकी है। अब उसके बाद ना क्या हुआ कि ना इंगेजमेंट होने के बाद ना मैं स्टेज में नहीं जा पाई, क्योंकि शानवी का इतना रोना चालू कर दी कि मैं उसको फिर खाना खिला के मैं ऊपर ही रह गई। उसके बाद मैं सीधा खाना खा के हम लोग ना बीच आ गए, बारवा जो गाँव है ना वहाँ पर जस्ट पास में ही रिजॉर्ट है और बीच है, तो मैं आपको वहाँ का शूट नहीं कर पाई। मुझे दिखाना चाहिए था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा स्टेज वगैरह डेकोरेशन हुआ था, मैं नहीं दिखा पाई। रिसेप्शन जैसे ही करते हैं उसके बाद सब फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह लिए। अब देखिए यहाँ पर शानविका को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर बीच में आई थी, तो शानविका इज़ इन फुल इंजॉयमेंट मूड में है, और उसके पापा भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, देखिए उसके साथ खेल में है। वैसे मैं सबका शूट करती हूँ, मेरा कोई शूट करने वाला है नहीं, मैं यही कंप्लेन कर रही थी मेरे हस्बैंड से
ये देखिए शान्विका को, शीज ना वो ना पानी के पास चले जा रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि क्या है ना समुद्र का पानी जो आता है अचानक से आता है। ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली आउटडोर शूटिंग भी हुआ है दूल्हा दुल्हन का, तो ये बीच के पास आए हुए थे दोनों। ये देखिए मैंने बोला ना जो साड़ी हम लोगों ने दिया था ये चेंज करने के बाद स्टेज में पहनी थी दुल्हन ने, और ये फिर मेरे इतने कहने के बाद उनके फादर ने थोड़ा बहुत मेरा भी वीडियो ले लिया। देखिए कहीं तो मैं दिखी, अब मेरा फेस का हालत देखेंगे आप, इतना बुरा हो चुका है क्योंकि मैं बता रही थी ना सुबह इतने अच्छे से तैयार होकर गए थे, घर आने के बाद जब मैंने मेकअप देखा ना कि वो इतना फेस पिंपल और ब्लैक्स हो गया, देखने के बाद पता चल रहा है कि वो एक्सपायरी डेट हो गया था जो मैंने क्रीम लिया था। तो ये अब फाइनली हम बीच से आ चुके हैं और अब कार में बैठ रहे हैं और वापस लौट रहे हैं, तो अब दिखाते हैं अपने फेस का हाल, देखिए सबका हाल क्या हुआ है बीच के पास जाके। और शान्विका इस अब सो चुकी है, और यहाँ घर आने के बाद दोनों उठ के फिर चल रहे हैं, धमाशान चल रहा है, ये छोटी नंद का लड़का है और ये दोनों अच्छे से खेले हैं। अब फाइनली अब हम आ चुके हैं स्टेशन में, सब लोग जा चुके हैं कार में, अब हम लोग स्टेशन में आ चुके हैं और अब हम अपने फिर से चल रहे हैं बाय बाय। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना गाइज, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते। थैंक यू।